Let's explore Oktoberfest. वेलकम बैक टू अक्टूबर फेस्ट 2023। हम लोग जो है अभी म्यूनिक में हैं और म्यूनिक में ये अक्टूबर फेस्ट में आपको बताएंगे थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू अक्टूबर फेस्ट। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ऐसी चीज़ें बताऊंगी, इनसाइट्स जो शायद आपको नहीं पता होगा, और अगर आप आ रहे हो इस साल या अगले साल तो आपको हेल्प करेगा। प्लस मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। मैं यूरोप और जर्मनी के बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आई हूँ अक्टूबर फेस्ट में। मैंने जो ड्रेस है वो ड्रिंडल पहनी है, जो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। कैसी लग रही है वो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा बीइंग इनटू फैशन इंडस्ट्री मैंने कस्टमाइज़ करवाई थी मेरे लिए और मेरी डॉटर के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आपको कैसे पहुंचना है अक्टूबर फेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप होते हैं, बट जनरली जो लोग हैं वो हैकर ब्रुक के जो है, जो कि मेन बस स्टेशन है, वहाँ पर उतरते हैं और वहाँ से वॉक करके अक्टूबर फेस्ट में आते हैं। बट उसके अलावा और भी बहुत सारे उबान के स्टॉप्स हैं जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। हमने लिए वो है पोकेस्ट्रा से, जिससे मिनिमम डिस्टेंस आपको जो है वो वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे साथ थे, तो हमने सोचा हमें कम से कम वॉक करना पड़े, तो हमने पोकेस्ट्रासे से जो है वो एंट्री ली है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो अक्टूबर फेस्ट को बियर फेस्ट भी बोलते हैं और ये सितंबर मंथ में जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जो है वो अक्टूबर फेस्ट जो है वो रन करेगा। दुनिया भर से लोग आते हैं। बोला जाता है कि यहाँ पर जो है वो 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो आते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि 1810 में ल्यूडविक जो था, किंग ल्यूडविक था, उनकी शादी हुई थी और उसकी वजह से बियर फेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि उन्होंने फ्री की दारू जो है वो सबको बांटी थी और लोगों ने बियर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। इसलिए लोग यहाँ पर बियर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और सब अपनी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के आते हैं। प्लस पीछे जो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे राइड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े खतरनाक वाले भी, इन्जॉयबल वाले भी, जैसे भी हैं आपको जिस तरीके के भी राइड्स करना है वो भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अपने साथ कोई भी बैग ला रहे हैं या अगर आपके साथ बच्चे हैं तो किंडर वैगन है, तो आपको वो यहाँ पर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, आप अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। इवन पानी हो या फिर कुछ खाने पीने का सामान है वो भी आप अंदर नहीं लेके जाते हैं। इसका कॉस्ट है अराउंड 3 यूरोज 7 यूरोज, डिफरेंट है, तो वो प्रिपेयर करके आइए। अगर आपके पास बड़ा हैंड लगेज है तो उसका 7 यूरो है। अगर आपके पास कोई पर्सनल चीज़ें जो आपको अंदर रखवानी है, जैसे कैमरा हो गया या कुछ है, उसका 5 यूरोज है। और अगर आपके पास किंडर वैगन है तो उसका 3 यूरोज है। और अगर आपको यहाँ पर क्रेजीएस्ट माहौल दिखे, क्रेजीएस्ट चीज़ें दिखे, तो डरना मत। उसमें से एक चीज़ आपको ये भी दिखेगी कि आप जब एंट्री लोगे तो हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपका बैग चेक करें। इवन इतना छोटा बैग भी आपका चेक करेंगे, और बड़े बैग तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको बाहर ही रख के आना पड़ेगा। फेमस जो है वो ये पॉलिनर का टेंट है लगा यहाँ, उसके सामने लॉयन ब्राउ जो है उसका लगा हुआ है, और आगे जो है वो भी यहाँ पर सारे टेंट्स लगे हुए हैं। वी विल कम बैक टू बिगर टेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो आपको पीछे दिख रहा है ये जो है, इसमें आपको ईजिली एंट्री मिल सकती है, टेबल्स मिल सकते हैं, फैमिली टाइप का अंदर एनवायरनमेंट होता है, और सिर्फ 4 यूरो जो है इसकी एंट्री फ़ी है। 4 यूरो में आपको बियर या कोई भी ड्रिंक नहीं मिलेगी, 4 यूरो सिर्फ और सिर्फ एंट्री फ़ी है, और अंदर जाके आपको जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं और उसका पे कर सकते हैं। मेले में कुछ कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें इंडियन मेले में भी मिलती है, यहाँ पर भी जो है वो मिल रही है। और जैसा कि आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, जर्मनी जो है वो कैश किंग है, मतलब यहाँ कैश हर जगह जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है।
उसमें से एक एग्जाम्पल है अक्टूबर फेस्ट में भी सिर्फ कैश चलता है। आपके बैंक बैलेंस कितना भी हो लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तो यहाँ आपका कोई काम नहीं है। उसी का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। इन्होंने जो है वो जगह जगह थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ATM मशीन्स जो है वो इंस्टॉल कर रखी है। आप उससे पैसे निकाल सकते हैं पर इन मशीन से आपके जो कुछ मनी जो है वो कटेगा। तो इससे बेटर है कि आप एक दिन पहले ही जो मनी है वो विड्रॉ कर लो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप कैश ही खर्च कर पाओगे। आपको जो पीछे दिख रहा है ये बहुत ही बड़ा झूला है। हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं उसमें भी झूले होते हैं बट ये जो झूला है ये अट्रैक्शन है इस अक्टूबर फेस्ट का। अगर आप गूगल पे फोटोज़ देखेंगे तो भी आपको ये फोटोज़ ज़रूर दिखेंगे या लोग इस बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक करवाते हैं। बट ऑफकोर्स आप इसमें बैठ भी सकते हो, उसकी भी बहुत लंबी लाइन होती है तो आपको पहले टिकट खरीदना पड़ेगा एंड देन यू कैन गो इनसाइड। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अक्टूबर फेस्ट पे आ रहे हो तो आप पक्का यहाँ पर बियर पियोगे। बियर के लिए यहाँ पर बहुत फेमस ब्यूरी होती हैं जैसे कि आपको पीछे इस तरफ दिख रही है पॉलिनर और इस तरफ दिख रही है लॉयन ब्राउ और आगे और भी बहुत सारे ऐसे टेंट्स लगे हैं। इसके अंदर आप अंदर जा सकते हैं और अंदर बियर इंजॉय कर सकते हैं। बियर का कॉस्ट है वो अराउंड 13.90 यूरो है और आपको एटलीस्ट 2 यूरो की टिप देनी पड़ती है। प्लस एक और चीज़, बियर के साथ आपको ब्रेडसेल लेना पड़ेगा जो कि लोग यहाँ पर ब्रेडसेल और बियर पीते हैं और खाते हैं। लास्ट टाइम का अक्टूबर फेस्ट जो था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था सब लोगों के लिए क्योंकि उस टाइम पे लाइक पूरे अक्टूबर फेस्ट पूरे ड्यूरेशन में जो था वो बारिश होती रही थी। बट इस बार लकीली बहुत अच्छा मौसम है और अच्छा मौसम है इसलिए लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अंदर अगर आप घुसोगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो परेड चलती रहती है जो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो देखते हैं। तो लोग जो है वो प्रॉपर यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथिंग में जो है वो परेड करते हैं एंड जो बहुत अच्छा लगता है। प्लस डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको पुलिस भी दिखेगी जो कि एक राउंड में जो है वो खड़ी होती है। आप डरना मत उनसे, वो सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रहती है। तो अगर आपको कुछ भी होता है तो दे विल हेल्प यू एंड एग्जैक्टली दे विल हेल्प यू, वो इसलिए वहाँ पर खड़े हैं। प्लस एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ पर रहती है क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है होता ही है ऐसा कि लोग बियर पी के जो है वो गिरते पड़ते होते हैं तो उसके लिए एम्बुलेंस भी जो है वो हमेशा रेडी रहती है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो दे हेल्प देम। क्रेजीएस्ट टाइम है कि पीछे जो है वो एम्बुलेंस सर्विस वाले लोगों को लेके जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि यहाँ पर वैसे मतलब टॉयलेट जो है वो होते हैं या नहीं, तो हाँ वो भी होते हैं और उसके लिए इन लोगों ने प्रॉपर सिग्नल्स भी लगाए हुए होते हैं कि किस डायरेक्शन में होते हैं। और हो सकता है कि आपको 50 सेंट्स या 1 यूरो जो है वो वैसे यूज़ करने का देना पड़े। और अक्टूबर फेस्ट को बियर फेस्ट वीजन भी बोलते हैं। 2023 के वीजन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। और ऑफकोर्स अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको भी मन में ऐसी जिज्ञासा होगी कि यार ये अक्टूबर फेस्ट तो हमको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। अगर आप इंडिया से प्लान कर रहे हैं तो आई वुड से कि आपको म्यूनिक में आना चाहिए क्योंकि म्यूनिक का अक्टूबर फेस्ट सबसे अच्छा होता है। इसी के साथ मैं अलविदा बोलती हूँ आपको। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो बताना। अक्टूबर फेस्ट जो यहाँ का फेस्टिवल है या फिर जो किंग है उसकी शादी हुई थी उसमें इस तरीके का माहौल होता था या होता है आज तक 1810 से अभी तक, वो देख के आपको कैसा लगता है वो ज़रूर कमेंट करना क्योंकि मैं म्यूनिक में देख रही हूँ आज से अक्टूबर फेस्ट स्टार्ट है और एकदम शादी वाला जो है वो माहौल रहेगा जब तक अक्टूबर फेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं होगा। लोग सुबह सजेंगे, तैयार होंगे, बढ़िया यहाँ पर आएंगे, दावत में बियर पियेंगे, ब्रेड सेल खाएंगे, यहाँ का जो नॉर्मल फूड है वो खाएंगे और उसके बाद थक हार के घर जाके जो है वो सो जाएंगे
और जो घर नहीं जा पाएंगे वो यहीं पर सो जाएंगे। बट हाँ, मैं जाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।